दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच आईपीएल 2022 का 14वां मुकाबला और अंतिम ओवर में रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले को देखकर खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज हमने वीडियो का लाइक टारगेट रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का। दोस्तों, आईपीएल 2022 का बेहद ही रोमांचक और ऐतिहासिक मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच खेला गया, जहां आईपीएल 2022 के इस 14वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर दिखाया। हालांकि हम आपको बता दें कि आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच ये रोमांचक मुकाबला एमसीए स्टेडियम पुणे में खेला गया, जहां कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम को पहले आमंत्रित किया, जहां आज मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना पाने में कामयाब हो सकी। तो वहीं इस धीमी पिच पर 161 रन बना पाना काफी अच्छा टोटल था। तो वहीं आज रोहित शर्मा और ईशान किशन जब मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे थे तो दोनों ही बल्लेबाजों ने आज अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जी हां दोस्तों, पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में मुंबई इंडियंस की टीम को लगा, जहां रोहित शर्मा आज 12 गेंदों में मात्र 3 रन बनाकर ही आउट हुए और उनको उमेश यादव ने सैम बिलिंग्स के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे डिवॉल्ट ब्रेविस, जहां डिवॉल्ट ब्रेविस और ईशान किशन के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी और दोनों ही खिलाड़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं इसी दौरान डिवॉल्ट ब्रेविस के रूप में मुंबई इंडियंस की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा, जहां ब्रेविस आज वरुण चक्रवर्ती की अंदर आती हुई गेंद पर सैम बिलिंग्स के हाथों स्टंप आउट हो गए, जिसके चलते ब्रेविस आज 19 गेंदों में मात्र 29 रन ही बना सके और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए थे। तो वहीं ब्रेविस के आउट होने के बाद मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव, जहां सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ज्यादा देर तक आपस में मिलकर बल्लेबाजी नहीं कर सके। दरअसल आज ईशान किशन मात्र 21 गेंदों में 14 रन ही बना सके और उनको पैट कमिंग्स ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा दिया। तो वहीं हम आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम के 3 बड़े विकेट बस मात्र 15 रन के स्कोर पर ही गिर चुके थे और मुंबई इंडियंस की टीम काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ चुकी थी, लेकिन उनको इस मुश्किल से निकाला सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और कायरन पोलार्ड ने मिलकर। जी हां दोस्तों, इन तीनों ही बल्लेबाजों ने जो आज पारी खेली उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दरअसल आज सूर्य कुमार यादव ने मात्र 36 गेंदों में ही 52 रन बना डाले और 5 चौके और 2 बड़े छक्के इस दौरान उन्होंने लगाए, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे। हालांकि उनको पैट कमिंग्स ने सैम बिलिंग्स के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे कायरन पोलार्ड, जहां कायरन पोलार्ड ने तो मात्र 5 गेंदों में ही 22 रनों की पारी खेली और इसी के साथ उन्होंने अपनी इस पारी में 3 बड़े छक्के भी लगाए और आज के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम काफी ज्यादा अच्छी लय में दिखाई दी। हालांकि इन्हीं बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 161 रन ही बना सकी और केकेआर की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट आज पिच पर चटकाए पैट कमिंग्स ने, जिन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए 49 रन देकर 2 बड़ी सफलताएं हासिल की। तो वहीं फिर 162 रनों के लक्ष्य के जवाब में जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मैदान पर उतरी तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर। जी हां दोस्तों, अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर ने आज के इस मैच में बड़ी साझेदारी तो नहीं की, लेकिन यहां पर पहला बड़ा झटका केकेआर की टीम को अजिंक्य रहाणे के रूप में लगा, जहां अजिंक्य रहाणे मात्र 11 गेंदों में 7 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और उनको ताइमल मिल्स ने डेनियल सैम्स के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर, जहां श्रेयस अय्यर भी इस मुकाबले में दबाव झेल नहीं सके और श्रेयस अय्यर भी मात्र 10 गेंदों में 6 रन बनाकर ही आउट हो गए और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके लगाए थे। हालांकि उनको डेनियल सैम्स ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाया और इसी के साथ केकेआर की टीम के 2 बड़े विकेट बस मात्र 35 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे और यहां पर केकेआर की टीम को जरूरत थी कि कोई बल्लेबाजी शानदार बल्लेबाजी दिखाकर टीम को जीत की कगार पर पहुंचाए। हालांकि दोस्तों, फिर इसी बीच केकेआर की तरफ से नए बल्लेबाज और पुराने बल्लेबाज उतरते रहे, लेकिन कोई भी वेंकटेश अय्यर का साथ नहीं दे पा रहा था। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि सैम बिलिंग्स ने आज के इस मुकाबले में मात्र 12 गेंदों में 17 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 छक्के भी लगाए थे, लेकिन उनको मुरुगन अश्विन ने बासिल थम्पी के हाथों 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर कैच आउट करवा दिया, जिसके चलते यहां पर केकेआर की टीम को तीसरा बड़ा झटका सैम बिलिंग्स के रूप में लगा। तो वहीं फिर मैदान पर उतरे नीतीश राणा भी कुछ ज्यादा खास अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए। जी हां दोस्तों, नीतीश राणा ने मात्र 7 गेंदों में 8 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 1 छक्का लगाया और उनको भी मुरुगन अश्विन ने डेनियल सैम्स के हाथों कैच आउट करवाया और इसी के साथ 4 बड़े विकेट कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के मात्र 83 रन के स्कोर पर ही गिर चुके थे। और फिर जब मैदान पर आंद्रे रसल बल्लेबाजी के लिए उतरे तो आंद्रे रसल
फैसल से बेहद ही उम्मीदें थी कि वो आज शानदार बल्लेबाजी कर जरूर टीम को जीते दिलाएंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर आंद्रे रसल भी मात्र 5 गेंदों में 11 रन ही बना सके और इसी के साथ केकेआर की टीम को ये 5 बड़े झटके लग चुके थे। लेकिन फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वेंकटेश अय्यर और पैट कमिंग्स, जहां आज के इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ने मात्र 41 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया और वो केकेआर की टीम को जीत दिलाने के लिए कठिन प्रयास इस दौरान करते दिखाई दिए। तो वहीं बात करें अगर पैट कमिंग्स की, तो पैट कमिंग्स ने तो इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर हर किसी का दिल ही जीत लिया। जी हां दोस्तों, केकेआर की तरफ से पैट कमिंग्स ने आज के इस मुकाबले में मात्र 8 गेंदों में ही 22 रन ठोक डाले थे और अपनी इस पारी में उन्होंने 22 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए थे। और यही नहीं, और पैट कमिंग्स ने आगे भी ताबड़तोड़ प्रदर्शन अपना जारी रखा, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पूरा का पूरा स्कोर कार्ड ही बदल कर रख दिया और केकेआर की टीम को जीत की तरफ पहुंचाया। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर ना तो जसप्रीत बुमराह का जलवा चला और ना ही किसी अन्य गेंदबाज का। और अब आप सभी की क्या राय है आज के इस मुकाबले में केकेआर की टीम की बल्लेबाजी को देखने के बाद, और आप उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आईपीएल 2022 के 15वें सीजन का 13वां लीग मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले में आरसीबी की टीम के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और पहली पारी में राजस्थान की टीम ने ओपनर बल्लेबाज जॉस बटलर के नाबाद 70 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। और वहीं अब आरसीबी की टीम को जीतने के लिए लक्ष्य मिला 170 रनों का। हालांकि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम की बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी तो नहीं रही थी, लेकिन जिस तरह से अंतिम कुछ मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ है, तो में ही 37 रन बना डाले और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए थे। हालांकि उनको हर्षल पटेल ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया था, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम का ये दूसरा बड़ा विकेट 10वें ओवर की 6ठी गेंद पर गिरा था। हालांकि फिर यहां से राजस्थान की टीम थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आई, क्योंकि यहां पर कप्तान संजू सैमसन बस मात्र 8 गेंदों में 8 रन बनाकर ही आउट हो गए थे और उन्होंने अपनी इस पारी में एक छक्का मात्र लगाया था और उनको वानिंदु हसरंगा ने कॉट एंड बोल्ड आउट किया। तो वहीं संजू सैमसन के विकेट के बाद मैदान पर उतरे शिमरॉन हेटमायर, जहां शिमरॉन हेटमायर और जॉस बटलर के बीच आज जो तूफानी बल्लेबाजी हम सभी को देखने के लिए मिली उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दरअसल दोस्तों यहां पर जहां एक छोर पर जॉस बटलर तूफानी बल्लेबाजी कर अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।